Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sufyan Mujib and I am a medical laboratory technologist. MLT second year students, आज हम देखेंगे बोन मैरो एस्पायरेशन उस टॉपिक का पार्ट टू. हम इस आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम बोन मैरो एस्पायरेशन का जो प्रोसीजर है इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं. जो पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था जिसका बोन मैरो एस्पायरेशन का, उसमें हमने देखा था. सबसे पहले तो हमने देखा ना बोन मैरो एग्जामिनेशन की क्या चीज़ होती है और उसकी जो दो मेन टाइप्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. हमारा जो मेन कंसर्न है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन मैरो एग्जामिनेशन में जो चीज़ है, वो है इसकी टाइप्स को आपको पढ़ना और आपको इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए. यानी कि बोन मैरो एस्पायरेशन क्या होती है और बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोसीजर्स का, रिक्वायरमेंट्स का और एग्जामिनेशन का. अब हम अपनी पहली टाइप को लेकर चल रहे हैं जो कि है बोन मैरो एस्पायरेशन. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बोन मैरो एस्पायरेशन क्या चीज़ है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए. आज इस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हमने देखना है. बोन मैरो एस्पायरेशन, ड्यूरिंग बोन मैरो एस्पायरेशन अ नीडल इज इंसर्टेड इन टू द मैरो एंड अ लिक्विड सैंपल ऑफ मैरो इज सक्ड इन टू अ सिरिंज. बोन मैरो एस्पायरेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि मैरो के अंदर, ठीक है ना, जो कि बोन के अंदर जो मैरो है उसके अंदर हम एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और उस नीडल की मदद से हम अ लिक्विड सैंपल ऑफ मैरो इज सक्ड. उस सैंपल मतलब नीडल की मदद से हम मैरो में से लिक्विड सैंपल, जो कि मैरो का होगा लिक्विड सैंपल, उसे हम सिरिंज के अंदर नीडल की मदद से सक कर लेते हैं. और उस जो लिक्विड है मैरो का, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं एस्पायरेट. द एस्पायरेट यील्ड सेमी लिक्विड बोन मैरो. जैसे कि मैंने बताया कि एस्पायरेट क्या है, एक्चुअली वही सेमी लिक्विड बोन मैरो ही है विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय पैथोलॉजिस्ट अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको एक पैथोलॉजिस्ट लाइट माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करता है. आज हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स, हमें कौन कौन सी चीज़ें बोन मैरो एस्पायरेशन के प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं. तो सबसे पहले तो हमें चाहिए नीडल. नीडल की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं. एक नीडल, अब उसमें आप नाम देखो, साला, कलिमा और इस्लाम नीडल्स आर यूज्ड फॉर एस्पायरेशन ऑफ द बोन मैरो. बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए तीन नीडल उसने नाम लिखा कि हम ये यूज़ करते हैं, साला, कलिमा और इस्लाम नीडल. जो फर्स्ट टू नीडल्स हैं, यानी कि साला और कलिमा, दे आर प्रोवाइडेड विद अ गार्ड एंड आर सूटेबल फॉर एस्पायरेशन फ्रॉम ऑल साइड्स. ये जो नीडल्स हैं, इनके साथ गार्ड अवेलेबल होता है, ठीक है ना. वो गार्ड एक्चुअली इन सेंस के एक, आप समझ लो, इस मतलब मकसद के लिए लगाया जाता है गार्ड नीडल पे, कि आपने उसको स्पेसिफिक लेंथ तक उसको पेनिट्रेट करना है कि वो उससे ज़्यादा डीप ना चली जाए नीडल. तो ये काम है गार्ड का. तो पहली दो नीडल जो हैं वो गार्ड के साथ होती हैं और वो आप उस इसी वजह से उसको तमाम साइड्स पे एस्पायरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. तमाम साइड मतलब जो जो भी बोन्स आपको मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में कि हमें साइट ऑफ एस्पायरेशन जो है कौन कौन सी होती है, उन तमाम साइड में आप इसको यूज़ कर सकते हो फर्स्ट टू नीडल्स को. तीसरी नीडल जो इस्लाम नीडल है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद अ गार्ड, इसके साथ गार्ड नहीं है, बट इट इज़ लॉन्गर देन अदर्स, बाकियों के नस्बत लॉन्गर है एंड हैज़ होल्स ऑन द साइड्स, और इसकी साइड पे भी होल हैं, आगे की बजाय साइड्स पे भी होल हैं, दैट परमिट कलेक्शन ऑफ बेटर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. जो कि क्या, इसकी मदद से क्या होता है, हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है, बेटर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं. एंड इट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्रस्ट, ठीक है. ये वो साइट का नाम है जो कि हमारी साइट ऑफ चॉइस थी. तो इसको सिर्फ जो इस्लाम नीडल है, चूँकि इसके साथ गार्ड नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक साइड पे यूज़ करते हैं जो कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. तो पहला जो पॉइंट था रिक्वायरमेंट का, जो कि हमें चीज़ें ज़रूरत हैं, उसमें हो गई नीडल्स. आप इमेज में देख सकते हो बोन मैरो एस्पायरेशन नीडल्स, डिफरेंट नीडल्स दिखाई गई हैं. अब ये मैं साइड पे जो होल्स की बात कर रहा था, इसे आप डायग्राम में देखो, साइड्स पे भी होल हैं इसमें, ठीक है जी. ये अब आपको एक नीडल अगर देखें तो इसमें ये होता है गार्ड, ठीक है ना. ये गार्ड आगे पीछे आप इसको कर सकते हो, जो जहाँ पे भी गार्ड होगा तो गार्ड से आगे नीडल, इसकी मदद से आप ये हेल्प करता है गार्ड के नीडल कितनी लेंथ तक पेनिट्रेट करेगी, ज़्यादा ना कर जाए कहीं, ठीक है ना, बोन से मतलब क्रॉस ही ना कर जाए बोन को, क्योंकि हमें मैरो तक चाहिए. इसलिए गार्ड इसमें प्लेस करते हैं नीडल्स के ऊपर. और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, स्टाइलेट, ये हब है, ठीक है, ये स्किन और ये मैरो, ठीक है.
दूसरे नंबर में हमें क्या चाहिए, क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड्स प्रेफरेबली विथ फ्रॉस्टेड एंड फॉर इजी लेबलिंग। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए हमें जी, ग्लास स्लाइड्स, साफ सुथरी ग्लास स्लाइड्स चाहिए, और प्रेफरेबली वो कहना चाह रहे हैं कि उसका एक एंड जो है ना फ्रॉस्टेड होना चाहिए। फ्रॉस्टेड इसलिए करते हैं कि ताकि वहाँ पे मतलब शीशे की स्लाइड है ना, तो वहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, लेकिन जब एंड फ्रॉस्टेड एंड जो होता है उस पर आप लिख सकते हो, तो इसलिए उसको हम फ्रॉस्टेड कहते हैं, लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं उस एंड को। तो हमें क्लीन ग्रास ग्लास जो है ना ग्लास लाइट चाहिए, साफ सुथरी ग्लास लाइट, क्रीज फ्री हो, और उनका एक एंड फ्रॉस्टेड होना चाहिए लेबलिंग के लिए। तीसरे नंबर में हमें स्प्रेडर चाहिए, ये भी वही है, ग्लास लाइट स्प्रेडर, मतलब ये आप स्मेयर बनाने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। फिर हमें चौथे नंबर पे लार्ज पीस ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर चाहिए, फिर डिस्पोजेबल सिरिंज 10 ml की चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज ऑफ 20 to 50 ml विद नोजल टू फिट इन द एस्पिरेशन नीडल। एक हमें डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए 10 ml की, और एक हमें सिरिंज चाहिए 20 to 50 ml की, बड़ी सिरिंज चाहिए, और उसके साथ उसका जो नोजल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि वो एस्पिरेशन नीडल के अंदर फिट कर जाए। ये हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे कि आखिर इसका यूज़ किस तरह से होना है। फिर हमें एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए, वो आप ले सकते हो, मतलब 0.5% क्लोरोहेक्सीडीन एथेनॉल, ये मतलब किस लिए, आपको उस एरिया जहाँ पर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है उसकी डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है जी। लोकल एनास्थेटिक हमें चाहिए 2% लिग्नोकेन, एनास्थेटिक भी हमें चाहिए होगा प्रोसीजर, कई जगह में उसको यूज़ करना पड़ जाता है, तो एनास्थेटिक हमारे पास होना चाहिए, लोकल एनास्थेटिक, और सर्जिकल ब्लेड माउंटेड होना, हैंडल, एक सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए जो कि हैंडल पे लगा हो, सर्जिकल टॉल्स, डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स हो, मेडिसिन बॉल हो, स्टेराइल सर्जिकल गॉस। तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट जो कि 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जो कि हमें बोन मैरो एस्पिरेशन के प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ, प्रोसीजर अब एस्पायरेशन, बोन मैरो एस्पायरेशन का क्या प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहले स्टेप पर हमने क्या करना है, प्रिपेयर दी ट्रे और ट्रॉली विद ऑल द रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट बताई, उन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आपने तमाम चीज़ें एक ट्रे के अंदर या ट्रॉली के अंदर आपने सेट करके उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है जी, कि तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, यानी कि प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले की ये प्रिपरेशन है, हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखनी है प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, अपने एक फिल्टर पेपर का पीस रखना है और उसके ऊपर अरेंज करनी है, अरेंज होने 2 to 3 ग्लास स्लाइड्स इन स्लांटिंग पोजीशन अगेंस्ट अ स्पोर्ट, एक किसी स्पोर्ट की मदद से मतलब टेढ़ा करके अपने स्लाइड्स को, 2-3 ग्लास स्लाइड्स को वहाँ पे क्या कर देना है, अरेंज करके रख देना है, ठीक है जी, फिल्टर पेपर के ऊपर। फिर नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, लेबल करना है, लेबल एटलीस्ट 10 स्लाइड्स विद पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो पेशेंट का नाम एमआर नंबर है उस पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन की मदद से, यानी उसके थ्रू आपने कोई 10 स्लाइड तकरीबन आपने उसको जो है ना उनको लेबल करना है पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन से, एंड अरेंज फॉर स्मेयर प्रिपरेशन, आपने उन पे स्मेयर बनाना है और आपने उनको अरेंज कर देना ताकि उस पर आप बाद में स्मेयर बना सको, तकरीबन 10 स्लाइड्स हों जिस पर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन मेंशन हो। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ड्रॉ अबाउट 5 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन इन अ डिस्पोजेबल सिरिंज, आपने जो डिस्पोजेबल सिरिंज है जो कि मैंने पहले बताई थी 5 to 10 ml वाली जो थी, उसके अंदर आपने 5 ml क्या लेना है, आपने जो एनेस्थेटिक था लोकल एनेस्थेटिक 2% लिग्नोकेन आपने वो ले लेना है, और उसको भी कीप असाइड फॉर लेटर यूज़, बाद में यूज़ करने के लिए आपको आपने इसको साइड पर रख देना है फिलहाल, ठीक है जी। तो ये हम प्रिपरेशंस देख रहे हैं कौन कौन सी हमें प्रिपरेशंस करनी है। अब हमने प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले क्या करना है, वॉश हैंड्स थॉरली विद सोप एंड वाटर एंड पुट ऑन सर्जिकल ग्लव्स, अब अपने अपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, अपने हाथों को सोप से और पानी से आपने धो लेना अच्छे से, एंड देन यू शुड पुट ऑन द सर्जिकल ग्लव्स, अपने ग्लव्स को पहन लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट एंड रीअश्योर देम, पेशेंट शुड बी पर्टिकुलरली एक्सप्लेन अबाउट सक्शन पेन, अब अपने पेशेंट को एतमाद में लेना है, पेशेंट को आपने पूरा प्रोसीजर बताना है, समझाना है और उसको श्योरिटी देनी है, रीअश्योर करना है, और पेशेंट को आपने वो कह रहे हैं पर्टिकुलरली क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, सक्शन पेन। अब सक्शन पेन क्या होना है, सक का मतलब होता है खींचना, जब आप मतलब बोन मैरो के अंदर नीडल इंसर्ट कर दोगे और वहाँ से जब मैरो को सक करते हो तो एक पेन जनरेट होता है, ठीक है, एक शदीद किस्म का पेन होता है, आपने बताना है कि आपको उस सिचुएशन में उस हालत में वो काम करते हुए आपको मतलब नीडल जब आपके मैरो में हम डालेंगे मतलब उसके बाद जब हमने बोन मैरो सक करना है तो आपको पेन होगा शदीद, तो आपने उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है और उसको बतानी है, ठीक है जी। ये पेशेंट को आपने ये श्योरिटी देनी है, श्योरिटी देनी है, तो ये पॉइंट इस हिसाब से था। नेक्स्ट में आपने पेशेंट को क्या करना है, पोजीशन उसकी सही पोजीशन रखनी है, पोजीशन द पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइट सिलेक्टेड फॉर एस्पिरेशन, आपने पेशेंट को सही पोजीशन में बिठा देना है, लिटा देना है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी साइट एस्पिरेशन के लिए सिलेक्ट की है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उस साइट के हिसाब से आपने पेशेंट को पोजीशन करना है।
एट स्टेप में हमने क्या करना है जी, क्लीन द साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब जो आपने पास एंटीसेप्टिक था, आपने उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ जो साइट जिस पे आपने प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, आपने उसको क्लीन करना है, साफ करना है, डिसइंफेक्ट करना है। अ लार्जर एरिया देन रिक्वायर्ड इज क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। वो कहना चाह रहा है कि जितना भी एरिया हमें रिक्वायर्ड है, हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही एरिया क्लीन करते हैं, ये मतलब एहतियाती तदाबीर के तौर पर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। फिर ड्रेप द एरिया में सर्जिकल टॉल, अपने उस एरिया को बस कवर कर देना सर्जिकल टॉल से। देन 10th स्टेप में आपने इंजेक्ट करना है अब लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकेन इन टू द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड पेरिओस्टियम ऑफ बोन इन अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर एरिया, एंड देन वेट फॉर 3 to 5 मिनट्स। यानी कि अब आपने स्किन के अंदर क्या एक इंजेक्शन लगाना है लिग्नोकेन का, जो कि एनेस्थेटिक के तौर पर काम करेगा, जो कि उस जगह को सुन्न सका देता है, जिसकी वजह से आपको पेन की मतलब उतनी शिद्दत महसूस नहीं होती। आपने उसको सबक्यूटेनियसली जो है ना स्किन के अंदर अपने इंजेक्ट करना है, मतलब स्किन की लेयर्स के हिसाब से, डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है क्यूटस, वहाँ पे आपने सबक्यूटेनियसली आपने उस स्किन की लेयर में आपने वो इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है, और साथ में पेरिओस्टियम ऑफ द बोन, यानी कि बोन की जो बाहर वाली सर्फेस होती है उसे पेरिओस्टियम कहते हैं, तो वहाँ तक आपने इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है 1 to 2 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर अंदर, और उसके बाद आपने 3 से 5 मिनट का वेट भी करना है, ताकि वो इंजेक्शन अपना असर दिखा दे। फिर आपने 11th स्टेप में क्या करना है, मेक अ स्मॉल स्किन डीप निक विद ब्लेड एट द सिलेक्टेड साइट। जो भी साइट आपने सेलेक्ट की है, वहाँ पे आपने ब्लेड की मदद से एक स्मॉल स्किन डीप निक करना है, मतलब थोड़ा सा गहरा होना चाहिए स्किन के अंदर। आपने निक का मतलब क्या है, काट लगाना। ब्लेड की मदद से जो भी सिलेक्टेड साइट है, वहाँ पे आपने ब्लेड की मदद से थोड़ा सा स्किन में थोड़ा गहरा करके एक कट लगाना है। एंड देन आपने इंट्रोड्यूस करनी है एस्पायरेशन नीडल, इंट्रोड्यूस दी एस्पायरेशन नीडल विद अ जेंटल बोरिंग मूवमेंट। आपने एस्पायरेशन नीडल मतलब इंट्रोड्यूस करा के उसको एक बोरिंग मूवमेंट के थ्रू, जैसे कि बोर करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा उसका जो होल है उसका साइज आप बढ़ाते जाओगे विद द हेल्प ऑफ नीडल इंसर्शन। आपने जैसे जैसे उसको इंसर्ट करना है बोरिंग मूवमेंट के थ्रू, आपने उसका साइज बढ़ाते जाना है होल का, और अल्टीमेटली वो बोन मैरो तक पहुँचेगी। वेन द बोन मैरो इज एंटर्ड, जब नीडल जो है वो बोन मैरो तक पहुँच जाएगी, देन रिमूव द स्टाइलेट एंड अटैच अ 30 to 50 ml डिस्पोजेबल सिरिंज विद द नीडल। अब आपने जब बोन मैरो के अंदर पहुँच गई, फिक्स हो गई नीडल, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो स्टाइलेट है उसको रिमूव करके उसकी जगह आपने जो 30 to 50 ml बात कर रहे थे ml की जो सिरिंज है, डिस्पोजेबल सिरिंज, आपने उस स्टेलेट की जगह उस पर लगा देनी है। अब आपको स्टेलेट का मैं बताऊँ अगर, तो अगर आप ये देखो एक नीडल है ए वीडियो में, अब ए इस नीडल के डिफरेंट पार्ट्स तीनों इस बी पार्ट में दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ए पार्ट में पूरी नीडल है, बी पार्ट में उसके डिफरेंट पार्ट हैं। अब ये जो ये वाली जो पूरी की पूरी है, ये उसकी क्या है, स्टेलेट, ठीक है, स्टेलेट, और ये उसका गार्ड है, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, उसकी नीडल, ठीक है जी। तो जब आप ये इंसर्ट कर देते हो साइट में, तब आपने ये जो स्टिलेट है यानी कि ये रिमूव कर देना होता है, जब बोन मैरो के अंदर नीडल पहुंच जाए, आपने स्टिलेट रिमूव करके आपने इसकी जगह क्या लगा देनी होती है, एक डिस्पोजेबल नीडल सिरिंज लगा देनी होती है, ठीक है ना। डिस्पोजेबल सिरिंज जो है 30 to 50 ml की, वो लगा दोगे, उसकी मदद से आप खींच लोगे जो है ना बोन मैरो, ठीक है। सक अबाउट 0.5 ml ऑफ मैरो आपने उसके अंदर सक कर लेना है। वन ऑफ द इंडिकेशन दैट द मैरो हैज़ बीन पेनिट्रेटेड सेटिस्फैक्टरीली इज द सक्शन पेन। अब इसकी वो इंडिकेशन, एक निशानी बताना चाह रहा है आपको कि आपने सही तौर पर नीडल को मैरो के अंदर इंसर्ट कर दिया था, तो उससे आपको उसकी मतलब कैसे श्योरिटी होती है इस बात की कि जब आप मैरो सक करोगे तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, जिसे हम कहते हैं सक्शन पेन, यानी कि बोन मैरो को सक करते हुए, बोन मैरो खींचते हुए अगर पेन महसूस होता है, पेशेंट को शदीद पेन महसूस होता है, तो ये इस बात की श्योरिटी है कि आपने नीडल को सही तरह पे बोन मैरो के अंदर इंसर्ट किया था, ठीक है ना। दैट मैरो हैज़ बीन पेनिट्रेटेड सेटिस्फैक्टरीली, यानी कि बिल्कुल हम मतलब तसल्ली हो जाती है कि हमने सही तौर पे बोन मैरो के अंदर ही नीडल को इंसर्ट किया था, अगर उसको सक्शन पेन होते तो। देन हमने क्या करना है, डिटैच द सरेंज एंड रिप्लेस द स्टाइल। जब आपने ले लिया मैरो, उसके बाद आपने उस जो सरेंज थी उसको, डिस्पोजेबल सरेंज को हटा देना है, और वापस उसकी जगह पर स्टिलेट को लगा देना, ठीक है जी। और आखिर में हमने जो हमारा मेन स्टेप है वो क्या है, इमीजिएटली, अब हमारे पास मैरो आ चुका है डिस्पोजेबल सरेंज के अंदर, अब हमने जल्दी से उसकी स्लाइड्स बनानी है। इमीजिएटली स्टार्ट मेकिंग द स्मेयर्स सो दैट द मैरो डज नॉट क्लॉट। अब आपने क्या करना है, उन जो मतलब मैरो है उसकी मदद से आपने फ़ौरन उस मैरो का स्मेयर बनाना है स्लाइड्स के ऊपर, पेरिफेरल स्मेयर बनाना है, इससे पहले कि मैरो क्लॉट कर जाए, जम जाए। पोरिंग द एस्पायरेटेड मैरो ऑन द, अब सबसे पहले हमने, आपको अगर याद हो स्टार्ट में, तो हमने दो तरह से स्लाइड्स को अरेंज किया था, हमने दो तीन तीन स्लाइड्स थी तकरीबन, उनको हमने फिल्टर पेपर के ऊपर स्लांटेड पोजीशन में टेढ़ा करके हमने एक्सपोर्ट की मदद से हमने उसको अरेंज कर दिया था। इसके अलावा हमने 8 to 10 जो स्लाइड्स थी, हमने उसको पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन से अलग नीचे स्मेयर के लिए अरेंज करना था। तो अपने सबसे पहले जो क्या करना है, जो हमारे पास सिरिंज के अंदर क्या है, मैरो है,
Pouring the aspirated marrow on the slanted slides so that the free blood is drained while fragments remain stuck on the slide does this. ठीक है जी, अब आपने जो मैरो है आपके पास नीडल में सरिंज में, आपने उसको स्लाइड जो स्लांटेड स्लाइड हैं तीन चार स्लाइड जो हमने स्लांटेड करके रखी हुई थी फिल्टर पेपर के ऊपर, आपने उनके ऊपर उसको पोर करना है ताकि वो जो ब्लड है वो फ्री ब्लड नीचे गिर जाए, मतलब नीचे बह जाए, ड्रेन हो जाए, और उसके बाद जो फ्रैगमेंट्स होंगे दाने दाने से दानेदार से जो बोन मैरो के अंदर जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली स्लाइड के ऊपर ऊपर की तरफ रह जाए। स्लाइड को टेढ़ा रखने का मकसद यही था कि जो फ्री ब्लड है वो नीचे फ्लो कर जाएगा और जो फ्रैगमेंट्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक और आपने स्प्रेडर उठाना है जिससे आपने स्मेयर बनाना है। अब उस स्प्रेडर से आपने क्या करना है, पिकअप द फ्रेगमेंट्स विद द एज ऑफ द स्प्रेडर। अब जो स्लांटेड स्लाइड्स के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स हैं आपने उसको एक स्प्रेडर की मदद से उठाना है और उसके बाद आपने जेंटली क्या करना है, स्मेयर ऑन द प्री अरेंज स्लाइड जो हमने 8 से 10 स्लाइड्स बनाई थी पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन से अरेंज करके रखी थी उसके ऊपर आपने उसका स्प्रेडर से स्मेयर बना देना है। तो ये प्रोसीजर है कि आपने किस तरह स्मेयर बनाना है। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, पुट द रिमेनिंग मैरो जो मैरो बाकी बच जाता है उसको आपने एक ईडीटीए बॉटल यानी कि ईडीटीए वायल के अंदर आपने उसको डाल देना है और उसको मिक्स कर देना एंटीकोगुलेंट के साथ ताकि वो क्लॉट ना हो, सो दैट मोर स्लाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इफ रिक्वायर्ड, ताकि अगर बाद में हमें जरूरत पड़ती है स्लाइड की तो हम उस मैरो की मदद से उसको प्रिपेयर कर सकें। सिक्योर हीमोस्टेसिस, अब हमने क्या चीज़ मतलब उसकी भी यकीन ध्यान करनी है कि हमारी सही से हीमोस्टेसिस हो जाए यानी कि स्टॉपेज ऑफ ब्लड हो जाए, हमने क्या करना है, बाय फर्मली प्रेसिंग द साइट ऑफ पंक्चर फॉर 5 to 10 मिनट, जिस साइड पर हमने पंक्चर किया उसे 5 से 10 मिनट के लिए आपने प्रेस रखना ताकि वहाँ पर सही से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। एंड इफ रिक्वायर्ड अ स्टिच मे बी इंसर्टेड इन द नेक, आप स्टिच भी लगा सकते हो वहाँ पे मतलब कट वाली साइड पे अगर ज़रूरत पड़ती है, एंड देन लास्ट में अपने ड्रेसिंग को अप्लाई कर देना उस जगह को। ठीक है जी, तो ये था हमारा बोन मैरो एस्पिरेशन का प्रोसीजर आज का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कौन कौन सा प्रोसीजर है, इसको डिवाइड करने का इस टॉपिक का मकसद यही है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। इतना मुश्किल करके मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कल हम इसका एस्पायरेशन का लास्ट फाइनल पार्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद हम ट्री फाइनल वापसी पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।